Good evening to all. How are you guys? I hope you all are well. So today I am going to tell you about tense chart. ठीक है, टेंस चार्ट में आप लोगों के लिए हमने एक बनाया है. देखिए ये हमारा टेंस चार्ट है. दीज ऑल आर द टाइप ऑफ टेंसेस. ठीक है, ये क्या है? प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप्स होते हैं? फोर टाइप्स. फर्स्ट वन इज इंडेफिनिट, सेकंड इज कॉन्टिन्यूअस, थर्ड वन इज परफेक्ट एंड लास्ट वन इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, ये सारे टाइप्स भी हमने यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगी पूरे चार्ट में. और ये चार्ट मैं इसलिए बनाई हूँ ताकि आप लोगों को किसमें कौन सा वर्ब यूज हो रहा है ये आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ प्रेजेंट इनडेफिनिट के बारे में. तो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस क्या होता है, कैसे पहचानेंगे उसको? तो मैंने अपनी पिछली क्लास में भी अच्छे से सारे डिस्कस किया था, आप लोग को पता ही होगा. प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस को पहचानने के लिए क्या करते हैं? हिंदी के वैसे सेंटेंस जिसके क्रिया के अंत में क्या लगा हो, ता है, ती है, ते है या फिर ते हो लगा हो, क्या होता है? प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस कहलाता है. इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? डू या डज का यूज करते हैं. ठीक है, और इसके साथ क्या यूज करेंगे? वर्ब वन का. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वी वन या बी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? हिंदी के वैसे सेंटेंस जिसमें रहा है, रहे हैं या फिर रही हूँ, रहा हूँ, अगर ये सब लगा हो तो क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वो सेंटेंस होता है. वहां पर क्या यूज करेंगे हम लोग? इज, एम, आर का यूज करते हैं वहां पे. एंड वर्ब कौन सा यूज करेंगे? बिफोर. कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा? हमेशा बिफोर का यूज होता है. तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे? चुका है, चुकी हूँ, चुके हो, अगर ऐसा लगा हो तो क्या होता है? वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है. यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे? हैज इट, हैव का. ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट क्या यूज करेंगे? हैज, हैज या हैव का यूज करेंगे. एंड परफेक्ट टेंस में क्या यूज होता है? हमेशा वी थ्री का यूज होगा. तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है गाइस, अब मैं बात करने वाली हूँ प्रेजेंट टेंस के लास्ट टाइप है, वो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, कैसे पहचानेंगे? तो हिंदी के वैसे सेंटेंस जिसके क्रिया के अंत में क्या लगा हो, रहा है, रही है, सॉरी से रहा है, से रही है या फिर से रही हूँ. क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो थोड़ा देर तक क्या होगा, हमारा कार्य जो होगा प्रेजेंट में वो जारी रहेगा. तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे? हैज एंड हैव तो करेंगे ही, लेकिन उसके साथ हम लोग बीन का यूज करेंगे. क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है. हैज या हैव प्लस बीन. ठीक है, इन कॉन्टिन्यूअस में मैंने कह दिया है हमेशा बिफोर का यूज करना है, तो बिफोर. ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट. अब हम लोग बात करेंगे पास्ट टेंस के बारे में. तो पास्ट का भी फोर टाइप्स होता है, इनडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. अगर हम पास्ट इनडेफिनिट की बात करें तो पास्ट इनडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसको पहचानने का सबसे इजी मेथड है क्या? वो हिंदी के वैसे सेंटेंस जिसकी क्रिया के अंत में था, थी लगा हुआ, वो क्या होगा? पास्ट टेंस का हो जाएगा. पास्ट टेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं? डिड का यूज करेंगे. ठीक है, डिड, और डिड के साथ क्या यूज होगा? वर्ब वन. तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट होता है ये. और आप लोग को सिर्फ मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर में यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, आप लोग इंट्रोगेटिव
नेगेटिव एंड डब्ल्यू एच वर्ड्स खुद ही कर लेंगे। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस को कैसे पहचानते हैं, हिंदी के वैसे सेंटेंस जिसमें रहा था, रहे थे, रही थी लगा हो वो क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो वहां पे क्या स्ट्रक्चर यूज करेंगे, इसके साथ हम लोग वॉज वेयर का पहले तो यूज करेंगे, वॉज वेयर, ठीक है, एंड वर्ब यूज होगा बिफोर। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस प्लस वॉज या वेयर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, वैसे सेंटेंस जिसके क्रिया के अंत में क्या था, चुका थे, चुकी थे, अगर ऐसा लगा हो तो क्या होगा, वो पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। तो इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, हैड का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि पास्ट की बातें होगी, पास्ट में हमारा कार्य होगा तो वहां पर हम लोग हैड का यूज करेंगे एंड हैड के साथ वर्ब भी थ्री यूज करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जैसे क्या होगा, पास्ट से में हमारा कार्य होगा लेकिन थोड़ी देर तक क्या होगा, हमेशा कंटिन्यू रहेगा कुछ देर के लिए। तो वहां पर पहचानने के लिए क्या है, हिंदी के वैसे सेंटेंस जिसमें से आ रहा था या से आ रही थी, ठीक है, अगर ऐसा लगा हो तो वो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। तो हम लोग क्या यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, हैड के साथ बीन का यूज करेंगे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट में हैड यूज करते हैं, ठीक है, इन कॉन्टिन्यूअस है तो क्या यूज करेंगे, बीन का। और वर्ब कौन सा यूज होगा, कॉन्टिन्यूअस है तो बिफोर। तो स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बिफोर एंड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब लास्ट है हमारे का फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के भी फोर टाइप्स होते हैं, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो फर्स्ट टाइप क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट कैसे पहचानेंगे, वैसे सेंटेंस जिसके क्रिया के अंत में क्या लगा हो, गागे की लगा हो, सिंपल सी बात है। तो क्या होगा इसका, इसमें क्या यूज करेंगे, शैल एंड विल का, शैल या विल का यूज करेंगे। और भर कौन सा यूज होगा, वी1 का यूज होगा। तो इसमें स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो फ्यूचर में क्या होगा, हमारा कार्य जो है लगातार थोड़ा देर के लिए कंटिन्यू रहेगा तो वहां पर क्या यूज करेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कैसे पहचानेंगे, हिंदी के वैसे सेंटेंस जिसमें रहेगा, रहेगी, रहेगी, रहूंगी, अगर ये सब लगा हो तो क्या हो जाएगा, वो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा सेंटेंस। तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे शैल या विल, और कॉन्टिन्यूअस है तो इसलिए मैं यहाँ पर बीन का यूज करूंगी, ठीक है, यहाँ पर होता ही है बीन बी, एंड वर्ब कौन सा यूज होगा, बिफोर। तो इसमें स्ट्रक्चर इसका क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अगर बात करेंगे तो कैसे पहचानेंगे उसे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होगा, जिसमें चुकेगा, चुकेगी, चुके होंगे या फिर चुकेंगे लगा हो क्या होगा, वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाएगा। तो उसमें क्या यूज करेंगे, शैल हैव, शैल हैव या फिर विल हैव प्लस इसके साथ वर्ब कौन सा यूज होगा, बी3, बी3 का यूज करेंगे। वर्ब हमारा बी3 हो गया, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव विल हैव प्लस बी3
प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, ये हमारा लास्ट टाइप है फ्यूचर का। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होगा? परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट को कैसे पहचानेंगे? क्योंकि सिद्ध रहेगा या फिर सिद्धी रहेगी या सिद्धे रहेंगे, अगर हिंदी के वैसे सेंटेंस इसके क्रिया के अंत में ये लगा हो, ठीक है, तो उसे हम पहचान जाएंगे, उसे वो क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। जिसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, इसमें शैल या विल, शैल या विल प्लस हैव, और इसमें देखिए बीन का यूज होगा क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन, और भर्ब कौन सा यूज होगा, भी फोर का यूज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बी फोर एंड प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इससे हमारा कंपेरिजन ये पता चल रहा है कि जब हम इंडेफिनिट की बात करेंगे तो वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा, डू डच एंड बी वन का यूज होगा। यहाँ पर जब हम पास्ट में बात करेंगे, जब हम इंट्रोगेटिव करेंगे तो वहाँ पर डिड का यूज करेंगे, ठीक है, नेगेटिव करेंगे देन डिड का यूज करेंगे, डिडंट यूज करेंगे तो उसके साथ हम लोग वी वन का यूज करेंगे। जब अगर फ्यूचर की बात करेंगे तो वहाँ पे देखिए शैल एंड विल का यूज करेंगे, यहाँ पे देखिए वी वन, तो हमारे कंपेरिजन से ये पता चल रहा है कि हम लोग इंडेफिनिट में ऑलमोस्ट वी वन, देखिए तीनों में हम लोग वी वन यूज कर रहे हैं, ठीक है। जब हम फ्यूचर सॉरी जब हम कॉन्टिन्यूअस में अगर बात करेंगे तो कॉन्टिन्यूअस में देखिए हमेशा बिफोर का यूज हो रहा है, ठीक है। ऐसे देखिए परफेक्ट पे अगर आ जाए तो क्या है, हैज हैव हैड एंड शैल हैव या विल हैव तो यूज कर रहे हैं, लेकिन वर्ब हमारा कौन सा यूज हो रहा है, हमेशा बी थ्री यूज हो रहा है, किसमें, परफेक्ट टेंस में। जब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो यहाँ भी देखिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो यहाँ पर क्या है, हैज हैव तो यूज हो रहा है लेकिन साथ में देखिए बीन यूज हो रहा है, हमारा तीनों टेंस में बीन यूज हो रहा है, इनके साथ हमेशा बिफोर का यूज हो रहा है, ठीक है। इस कंपैरिजन से एक बेनिफिट है कि आपको हमेशा ये सारा स्ट्रक्चर आपको याद रहेगा, जब आपको स्ट्रक्चर याद रहेगा क्या यूज करना है ये आपको याद रहेगा, तो आप बहुत इजी वे में आप इसे इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड डब्ल्यू एच सब खुद ही कर लेंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा हो। चलिए मैं एक और डिस्कस हम लोग कर लेते हैं आज, एक और चार्ट का, वो है यूज ऑफ इन्फिनेटिव का। जब हम यूज ऑफ इन्फिनेटिव की बात करेंगे तो मैंने क्लास में भी डिस्कस किया हुआ था सिंपल इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर, ठीक है। तो इंडेफिनिट का क्या होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस नो या नोस प्लस हाउ प्लस इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मैंने बता ही दिया था, टू प्लस बी वन का यूज करेंगे एंड अदर वर्ड्स, ठीक है। अब सिंपल पास्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस पास्ट है तो वी टू यूज होगा, जैसे वॉन्टेड ट्राइड कैन वेंट एटसेट्रा, क्योंकि आपके हिंदी के सेंटेंस जो भी आपको आपके सेंटेंस से लगेगा आप वो चीज यहाँ पर वी टू यूज करेंगे एंड देन की क्या यूज करेंगे, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। अब सिंपल फ्यूचर में क्या यूज करते थे, यहाँ पे शैल या विल का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी वन प्लस इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव प्लस अदर वर्ड, ठीक है गाइस। ये तीनों ही स्ट्रक्चर मैंने क्लास में डिस्कस किया था, तो मैं एक एग्जांपल भी आज के बता देती हूँ आप लोगों को ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सिंपल इंडेफिनिट का मैं एक ट्रांसलेशन बना रही हूँ, आप लोग इसे अच्छे से समझिएगा, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, सोहन अंग्रेजी बोलना जानता है, ठीक है, अंग्रेजी बोलना जानता है, तो क्या है, सिंपल इंडेफिनिट का है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर सामने है, क्या है, सब्जेक्ट प्लस नो या नोस प्लस हाउ प्लस इन्फिनेटिव प्लस अदर वर्ड्स, तो इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस बी वन, तो क्या हो जाएगा, सोहन नोस,
क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सोहन नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश. ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल सिंपल पास्ट से आप लोगों को बता रही हूँ. सिंपल पास्ट से देख लीजिए, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, मैंने उसे मदद करने की कोशिश की. ठीक है, मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की. तो मैंने कह ही दिया था कि हमारा जो सब्जेक्ट है या हमारा जो हिंदी का सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ सब्जेक्ट के साथ वी डू यूज करेंगे. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए कोशिश है तो क्या यूज करेंगे, वी टू ट्राइड, तो यह क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन, आई ट्राई टू हेल्प. उसकी यहाँ पे यू यूज करेंगे, सॉरी हिम यूज करेंगे, आई ट्राई टू हेल्प हिम. आई ट्राई टू हेल्प हिम, मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की. ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देख लीजिए सिंपल फ्यूचर से. सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर से देख लीजिए, जैसे तुम अंग्रेजी पढ़ना चाहोगे तो क्या यूज करेंगे यहां पर, शैल हैव, तुम अंग्रेजी पढ़ना चाहोगे, तो यहां पर क्या है, चाहोगे, तो फ्यूचर की बात हो रही है, तो यहां पर शैल एंड विल का यूज करेंगे. शैल एंड विल का यूज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यू विल, भी वन है तो वॉन्ट, टू क्या हो जाएगा, तुम अंग्रेजी पढ़ना चाहोगे, यू वॉन्ट टू रीड, यहां पर रीड इंग्लिश. ठीक है, क्या हो जाएगा, तुम अंग्रेजी पढ़ना चाहोगे, यू विल वॉन्ट टू रीड इंग्लिश. ठीक है, तो मैंने तीनों का एक एक एग्जाम्पल दे दिया है आप लोगों को ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए. इन स्ट्रक्चर सामने है, ये यूज ऑफ इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर है, इसमें भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं. ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को भी यूज ऑफ इन्फिनिटिव एंड टेंस का चार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. ठीक है, ये हमारा टेंस का चार्ट है, ये भी आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आप लोग भी इसे कंपैरिजन करना. ठीक है, और ये जो है यूज ऑफ इन्फिनिटिव भी आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा. अगर आप चाहते हैं कि ऐसे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो प्लीज हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. थैंक यू सो मच गाइस, ऑल ऑफ यू, एंड बाय बाय.